वाकई देखोगी मुझे? हाँ क्यों नहीं। मैंने मास्टर नियांजी के साथ फोटो ले ली है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तो ये तस्वीर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम यहाँ अपने फेवरेट राइटर के साथ हो। ये है तुम्हारा सच? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानते ही क्या हो, ये सर नियांजी है, बेहतरीन पेंटर और मेरे आइडियल। आए पड़े नहीं तो। ये मेरे पास रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मिसेस येन हो, इसलिए तुम्हारा आइडल सिर्फ मैं हो सकता हूँ, सुन लो। अकड़ू कहीं का, रख लो, मैं नई प्रिंट करवा लूंगी अपने लिए। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। झुकाए वो करो। ठीक है। तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। दादी माँ। दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो नहीं कहोगे? जी सॉरी। हाँ मैं जरा थक गई हूँ, अब चला नहीं जा रहा। फ्यांग, मुझे जरा ऑफिस तक ले चलो। ठीक है दादी। सीचेन, तुम जीजी को ऑफिस दिखा दो। जी दादी, आप फिक्र मत कीजिए। तो ये तुम्हारा आइडिया था? नहीं, मैं दादी के साथ ऐसे ही आ गई। जब आ ही गई हो तो थोड़ा शो ऑफ भी कर लेते हैं। ये कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं पढ़ने की इजाजत नहीं है। हाँ सब हमें ही देख रहे हैं और तुमने ही कहा था ड्रामा करना है। मैं शायद तुम्हें अगले 3 महीने का नुकसान बता सकती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी रिसर्च के मुताबिक ये बताना मुश्किल नहीं है कि तुम्हारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यकीन है कि अगले क्वार्टर में रेगुलर कटिंग और मैक्रोन कलर का ट्रेंड होगा। ब्रांड्स की बात की जाए तो उन्होंने KM और D's को प्रायोरिटी दी है, दोनों ही टॉप क्लास के ब्रांड्स है। हाँ, तो ये एक गलत चॉइस है। इरेगुलर कटिंग्स और मैक्रोन कलर्स दोनों ही फैशन मेन रहते हैं, लेकिन डिजाइन अच्छे हो। KM बहुत पुराना ब्रांड है और अच्छे ड्रेसेस लाता है, लेकिन सारे ही कपड़े एक ही तरह के होते हैं, तो कस्टमर को ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती और ब्रांड के लिए नुकसानदायक है। डिजाइनर्स के पास भी सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं, वे वही करते रहते हैं जो पहले हो चुका है। इन्हीं कलर्स को इस्तेमाल करके कुछ नया भी तो किया जा सकता है ना? अगर ये इस क्वार्टर का सबसे बेहतरीन ब्रांड रहा है, इन्होंने डिजाइनर्स क्यों चेंज किए? सस्टेन करने के लिए अपग्रेड करना पड़ता है, इसमें हर्ज क्या है? देखा जाए तो कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इनकी आपस में कोई दुश्मनी है। लेकिन खैर, दोनों ही इतने पुराने डिजाइनर्स हैं, हो सकता है कि पहले की कोई दुश्मनी हो इनके बीच, लोग भी यही कहते हैं। लेकिन जाहिर है तुम्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, है ना? अगर तुम्हारी बात वाकई में सच है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में एक सवाल आया, वो मैंने कह दिया, आप जवाब ढूंढना तुम्हारा काम है। बुजीजी, तुम्हें किसी चीज में मेरी हेल्प चाहिए? नहीं, मैं तो बस दादी के साथ यहाँ टाइम पास करने आ गई थी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जाल में ना फंसे। लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं मेरे पास? समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सारे एक ही रंग के कपड़े हैं, तो सोचते क्यों? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं इनमें से कौन सा पहनूं। क्या तुम मुझे अब चेंज करते हुए देखोगी? वाकई देखोगी मुझे? हाँ क्यों नहीं। हाँ।
तो बताओ क्या हल है तुम्हारे पास? बात यह है कि केएम के पिछले डिजाइनर का कोई मामला है डीज के डिजाइनर के साथ। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह की कहानी थी इनके बीच। दोनों के बीच पक्की दुश्मनी है। क्यों ना आप एक ऐसा स्टोर खोले जहां वो दोनों डिजाइनर मिलकर काम कर सके। उन दोनों के मिलकर काम करने से आपका ब्रांड भी सबकी नजर में आ जाएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छी सलाह दे रही हूँ बहुत। अच्छा तो ये हल है तुम्हारे पास, बदले में क्या चाहती हो? मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन बात यह है कि अपना बिजनेस प्लान बनाने में थोड़ी सी मदद चाहिए। बस इतना ही? हाँ बस। ठीक है, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए आ जाओ पढ़ के सुनाओ मुझे। समझ गई बॉस, बस अभी आ रही हूँ मैं। यस यस। मैंने उन्हें मिस जीजी का प्लान दिखाया है, उन्हें लगता है कि वो लाजवाब है। मुझे भी लगता है कि जीजी के साथ मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मुझे काफी फायदा पहुंचा रही है। लगता है प्यार? क्या कहा तुमने? मुझे लगता है उसने अपनी काबिलियत से मुझे एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। मुझे आजकल लगता है कि आप मिस जीजी के बारे में कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें करते हैं। पहले ऐसे बात नहीं करते थे। आपके ख्याल बदल रहे हैं। अब ये उनकी बदलाव की वजह से है या आप ही बदल रहे हैं या फिर आपके उन्हें देखने का नजरिया बदल गया है? क्या मतलब है इसका? आप पहले सबसे सख्त मिजाज से पेश आते थे, लेकिन अब नरमी से पेश आते हैं, और वो भी सिर्फ मिस गुजीजी के लिए। क्या आपके दिल में उनके लिए कुछ है? उस बेवकूफ पागल लड़की से प्यार करने का कोई फायदा नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे बैरी जहाज के मॉडल्स बहुत पसंद थे। मैं उन्हें स्कूल ले जाया करता था और सोते वक्त इन्हें साथ रखता था, मगर फिर मेरी मम्मी को लगा कि ये शायद ठीक नहीं है, उन्होंने सब फेंक दिया। मगर अभी आप बड़े हो चुके हैं और इस काबिल भी कि अपनी पसंदीदा चीजों की हिफाजत कर सके। जो चीज पसंद आ जाए उसे खोने का खौफ बढ़ जाता है, और मुझे कुछ खोना पसंद नहीं है। बॉस आ जाओ। बिजनेस प्लान बनाया है, जरा देख लीजिए ना। इनकम्प्लीट है और काफी लूप होल्स हैं। तुमने लेआउट पर काफी वक्त बर्बाद किया है और इस तरह का प्लान पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या बदल सकती हूँ मैं? अपना वक्त जाया मत करो। ओ, क्या मतलब आपका? ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो इसे। हर काम में सब एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना, मैं ठीक कर लूंगी। आपका शुक्रिया। जीशिन, मुझे सच में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती ना। अच्छा ठीक है, हाँ कल मिलती हूँ मैं तुमसे फिर, ठीक है। किससे बात कर रही थी?